आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर आइडेंटिकल सेल्स। दिस हैपेंस when the cellular organism reaches to its maximum size of growth, and then the nucleus of the organism elongates and divides into two parts. After that, the cytoplasm also divides into two parts along with the cell. So we have to find out, name the process by which the organism reproduces. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन बाइनरी फ्यूजन, ऑप्शन टू बडिंग, ऑप्शन थ्री स्पोरुलेशन एंड ऑप्शन फोर इज नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मार्क करते हैं। सबसे पहली बात, एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड, सो दिस वन इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड वन इज दे स्प्लिट्स इनटू द टू डॉटर आइडेंटिकल सेल्स। नाउ थर्ड वन इज न्यूक्लियस स्प्लिट्स फर्स्ट इंटू टू parts, and fourth one is cytoplasm also divides into the two parts. So agar humne dhoondhna hai ki ye jo process hota hai ye kaun sa hoga, which mode of reproduction is there. So according to this hamare paas kya hote hai ki ye jo process ban raha hai asexual base ke upar, nucleus ki division and cytoplasm ki division ke upar, and this process is called as the binary fission. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बाइनरी का में बाइंड का मीनिंग क्या है, हमारे पास टू, और फ्यूजन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि स्प्लिट्स, कि कोई भी चीज हमारे पास क्या हो जाना, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाना, दैट इज नोन एज द बाइनरी फ्यूजन। सो द करेक्ट आंसर इज बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टू है बडिंग। बडिंग कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज बडिंग क्या होती है, बडिंग आउटग्रोथ बनती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, और वो क्या होगी, वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में क्या कर जाएगी, वो ग्रो कर जाएगी। आफ्टर दैट हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन दी गई है, दैट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है कि जो कुछ स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स क्या होंगे, दे आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद वो क्या करते हैं, कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। So, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे, जब ये सॉइल में गिरते हैं तब ये क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन द फंजाई। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज ऑप्शन वन इज द करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।